हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? गार्डन गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, आज मैं आपको एक पौधे को कैसे लगाते हैं, जब आप पौधे को नर्सरी से लेके आते हैं तो उसकी सारी प्रक्रिया मैं आज आपको बताता हूँ, कैसे पौधे को लगाना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पॉट है, 12 इंच का पॉट है लगभग। तो सबसे पहले हमें पॉट का साइज़ देखना होता है कि हमें कौन सा पौधा है और कितने साइज का हमारा गमला उसके लिए चाहिए था। तो इसके बाद फिर दूसरा काम होता है हमारा कि इस पॉट में हमें एक होल करना होता है, छेद करना होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पॉट बनाने वालों ने वो निशान बना दिया है, तो सबसे पहला काम होता है इसमें हमको एक छेद करना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसका होल करके। ये देख रहे हैं आप, इसको आप किसी चीज़ से ऐसे होल कर लीजिए। होल करने के बाद दूसरा काम होता है इसमें कि हमें इसमें कोई इस टाइप की कोई पत्थर या खपच्ची इसमें हम ऐसे लगा देते हैं ताकि मिट्टी इस होल से बाहर ना जाए। इसके बाद दूसरा काम होता है हमारा कि हमें सॉइल को तैयार करना है, मिट्टी को। तो आप जानते हैं इसमें कि हमारा जैसा पौधा होता है वैसे ही हम मिट्टी तैयार करते हैं। तो ये पूरी मिट्टी मैंने तैयार की हुई रखी हुई है। तो इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया हुआ है और गार्डन सॉइल है और कुछ इसमें सैंड है, और मैंने इसमें कुछ नीम के खली भी मिलाई हुई है। तो ऐसे करके मैंने पूरी ये मिट्टी मिलाई हुई है। तो इसके बाद अब हमारा काम होता है, अब हम पौधे को लेते हैं। यहाँ पे कौन सा पौधा, कोई सा भी पौधा, सपोज़ करो ये मुझे एक पौधा यहाँ पे लगाना हुआ है, पाम जैसा ये एक पौधा है। तो सबसे पहला जो नर्सरी वाले इसको इस पॉली बैग में पैक करके इसको रखते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा इस पॉली बैग को हटाना। और तो आइए मैं इसके पॉली बैग को आपको हटा के दिखाता हूँ। आप इसको किसी हाथ से या साफ ब्लेड से इसको आप काट सकते हैं, ये देख रहे हैं आप इसको। पर इसकी मिट्टी को आप पूरा आप कभी मत निकालिएगा, अदरवाइज इसके जो मिट्टी, इसके जो जड़ होती है, रूट्स होते हैं और ये मूल रोम्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हट जाएंगे। इसके बाद फिर आप कहेंगे कि पौधा हमारा लगा क्यों नहीं। तो इसको मैं अभी यहाँ रखता हूँ, और गमले की साइज़ के हिसाब से हम इसमें पहले नीचे कुछ मिट्टी डाल देते हैं। ये देख रहे हैं मैं इसमें कुछ मिट्टी डालते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसमें इतनी मिट्टी भर दी। इसका साइज़ मैं देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ तक, ये देख रहे हैं इतना। इसको आप एकदम बीचों बीच फिक्स कर लें, ये देख रहे हैं आप। और आप जानते हैं कि कुछ 1 से 2 इंच गमले को हम लोग खाली रखते हैं, तो बाकी इसमें हम लोग चारों तरफ से इसमें मिट्टी भर देंगे। इस तरह से आप मिट्टी भरते जाइएगा, और ये मैंने सारी मिट्टी इसमें भर दी, और इसको अच्छे से आप दबा दीजिएगा इसको। ये इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से आप दबा दीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये प्रक्रिया पूरी होती है। एक नर्सरी से पौधा आपके घर तक आता है और आपके पॉट में लगता है, तो ये इतनी बातों का आप ध्यान रखते हैं। और जब ये पौधा पूरा इसमें लग गया, लगने के बाद इस समय बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो आप इसे सीधे धूप में कभी ना रखें। इसमें आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे थोड़ा छाया हो और हवा का चलाचल होता रहता हो, तो ऐसी जगह पे हम इस पौधे को वहाँ पे रखते हैं। इसके बाद मिट्टी भरने के बाद फिर इसमें अगला काम आता है इसको पानी देने का। तो ये देख रहे हैं मैं इसको पानी दे रहा हूँ। इसको आप ऐसे ही हजारा से किसी बर्तन से आप इसको पानी दे सकते हैं इस तरह से। तो इसको आप शुरुआत में पूरा भर दीजिए ताकि पानी नीचे से, इसके होल से नीचे बाहर पानी निकलने लगे, जब तक आप इसको पूरा भर दीजिए, और फिर इसकी आवश्यकता के अनुसार आप पानी देते रहिएगा। तो मैंने इसको पानी दे दिया। तो ये था मेरा एक पूरा पौधा लगाने का प्रोग्राम, पूरा प्रोसेस। कैसा लगा आपको? इस तरह से आप पौधे अपने घर में लगा सकते हैं। तो यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।